हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 और 2016 का एग्ज़ाम कैलेंडर बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों, ये फाइनली आज आयोग ने इसको जारी कर दिया है। तो देखिए, जो कैलेंडर आया हुआ कहाँ से आया हुआ है, जिसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ, वो आया हुआ है तुम्हारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से। ये प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और आयोग द्वारा मार्च 2022 तक परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम, इसमें कैलेंडर में दे रखा है कि मार्च 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हैं वो कौन कौन से सम्मिलित किया गया और उनको 2022 तक मार्च में कम्प्लीट करा लिया जाएगा। तो फ्रेंड, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है डिटेल से। देखिए फ्रेंड, ये कैलेंडर जो है, मैं आपको कैलेंडर एक बार पूरा दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें सारी परीक्षाएं उनका विवरण दे रखा है। कुछ परीक्षाएं सितंबर में है, अगस्त में है, अक्टूबर में है, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए, तो मार्च तक आपका कंटिन्यू एग्ज़ाम होने वाले बहुत सारे। जिन लोगों ने पीईटी का फॉर्म भरा है उसके थ्रू भी बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं। देखिए, ये कैलेंडर है वो आज जारी किया गया है, ठीक है ना। मार्च जो है ये 24 अगस्त जुलाई में किया हुआ है, ठीक है ना, 24 जुलाई को, ये आज का ही है, ठीक है। तो आपको इसमें सब ओरिजिनल खबर दिखाई देगी। देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्ज़ाम कहाँ इन्होंने दे रखा है। देखिए, पॉइंट नंबर थ्री में देखा है 04 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य परीक्षा 2018। इसमें टोटल पोस्ट है 1477, ठीक है। इसमें कुछ 1200 इस फेर में जेई का पोस्ट है। ये एग्ज़ाम आपका अक्टूबर 2021 में होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी में लग जाइए। आपका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर, बस 2 महीने का पास टाइम है। बस आप लोग 2 महीने अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिए, इसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये एग्ज़ाम हर हालत में होना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आप नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है जो यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 है, 2016 का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ दे रखा है। देखिए इन्होंने, ये एग्ज़ाम आपका होगा, जो नोटिफिकेशन नंबर था 23 परीक्षा 2016 है, ठीक है ना। सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 है, इसका एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी 2022 में है, ठीक है। इसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आपने ये भी फॉर्म भरा है तो भी आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म भरा होगा तो आपने 2018 की वैकेंसी का भी फॉर्म भरा होगा, ठीक है। इसमें 486 पोस्ट हैं, तो दोनों एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप लोग तैयारी में लग जाइए और इस वैकेंसी को किसी भी हालत में मत छोड़िए। अगर ये वैकेंसी आप छोड़ देते हैं तो आपका जॉब लगना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसमें जी जान लगा के मेहनत कीजिए। ये एग्ज़ाम आपका हुआ 2018 वैकेंसी, जिसमें 1470 पोस्ट हैं, और आपका ये 2016 का वैकेंसी, जिसमें 486 पोस्ट हैं। उसमें आप लोग कंटिन्यू लग जाइए, 486 पोस्ट हैं इसमें आपकी, उसके लिए आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, तैयारी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद।